हेलो गाइज, मैं शुभम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज बैच का 12वां दिन है और आप टेम्परेचर देख सकते हैं, क्या टेम्परेचर चल रहा है अभी दिन के 12 बज रहे और ज़ीरो दबाने के बाद ये एवरेज टेम्परेचर 29.5 और जो सेट दिख रहा है यानी टेम्परेचर जितना होना चाहिए वो 28.4 है। तो कोई दिक्कत नहीं, सब पंखे ऑटो में और कूलिंग भी चालू है और आज हम रैकिंग भी कर रहे हैं। तो आप लोग रैकिंग जो है मैक्सिमम 20-22 दिन तक कीजिए, उसके बाद है कोंडा अपने पास एक्स्ट्रा में रखिए और उसका टॉप ऑफ मारिए, नहीं तो वायरल बीमारी आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं गैसेस के कारण। आज 12वां दिन है, हमने आज वेट किया तो 350 ग्राम वजन आया है। उधर रैकिंग भी चालू है, आप देख सकते हैं मॉर्टलिटी अभी कम हो चुकी है, 8-9 हो रही है, ये देख सकते हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहता हूँ। तो ये देख सकते हैं आप फार्म 42x300 साइज है हमारे फार्म का। और स्टार्टिंग के दिनों में 10-12 दिन में अगर छोटे बच्चे रह रहे हैं 100 ग्राम 150 ग्राम के लंगड़े बच्चे, उसको पहले ही अलग कर दीजिए, सर्वाइव कर पाएंगे या फिर वो मर जाएंगे, इसलिए इसको पहले ही अलग कर लीजिए, इससे सर्वाइव के चांसेस बढ़ जाएंगे। आप देख सकते हैं छोटे बच्चे, थोड़ी सी ठंडियाँ ज़्यादा इसलिए वो इकट्ठा हो गए, देख सकते हैं। मानो कोई भी क्वेश्चन होगा, डाउट होगा पूछ सकते हैं, मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाते रहता हूँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।